खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। नौशहरा कलां पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मानकी में रास्ते के तनाजा पर कत्ल वाला मुलजिम 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार, आलाई कत्ल भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कायदुर रहमान ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वो और उसका भाई वाहिद घर में मौजूद थे, इसी दौरान शम्स नामी बंदा आया और हम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मेरा भाई जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने घर के अंदर कत्ल का नोटिस लेते हुए वकास रफीक एसपी कैंट की सरबराही में जुवेद अख्तर एसएचओ नौशहरा कलां पर मुश्तमिल टीम तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क हवाले कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे लगाए गए, मुलजिम को इलाके से बाहर न जाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम की गयी। 48 घंटों के अंदर मुलजिम तक रसाई हासिल करके शम्सुर्रहमान वल्द सैफूर खान साकिन मानकी को गिरफ्तार कर लिया गया। निशानदाही पर आलाए कतल पिस्तौल बरामद कर लिया गया। मकतूल वफाकी वजीर परवेज खटक के प्लाजे का मुंशी था, जिसको रास्ते के तनाजा पर कत्ल किया गया।